नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आईटीसी के ऊपर दोस्तों, जहां पे एडलवाइज ने 450 का टारगेट दिया हुआ है। दोस्तों क्या ये आईटीसी में 450 का टारगेट हो सकता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दोस्तों अभी का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है दोस्तों। बट क्यों वो इतना बड़ा टारगेट दे रहे हैं, उसके पीछे के लॉजिकल रीज़न क्या है, उसके ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपके पास आईटीसी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे दोस्तों और बड़ी दोस्तों तेज़ी बन सकती है दोस्तों। तो अब दोस्तों लास्ट वीडियो हमने L&T फाइनेंस के ऊपर बनाया था, जब दोस्तों बनाया था तब मार्केट आवर्स था और तब जो स्टॉक का प्राइस था वो 83 के आसपास चल रहा है। बट दोस्तों बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया, हमने जो लेवल डिस्कस किए थे उसको तोड़ दिया है दोस्तों आज ही, और बहुत ही बढ़िया 87 या उसके लाइफ है दोस्तों, सबसे बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अच्छी तरह से स्टॉक भागा है। तो आप उस स्टॉक को कल के लिए भी नज़र में रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया तो उसी को स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म में। बात करते हैं दोस्तों आईटीसी के ऊपर, 251 का प्राइस आ चुका है दोस्तों। आप सबको पता है कि दोस्तों जब हमने रेकमेंड किया था इस स्टॉक को, मैं आपको चार्ट के ऊपर पहले ले चलता हूँ कि जब हमने रेकमेंड किया था तब दोस्तों बहुत ही नीचे के ऊपर प्राइस था, और तब मैंने बताया था कि आईटीसी का स्टॉक चलेगा और भागेगा। क्यों आईटीसी चलेगा और भागेगा दोस्तों, सिंपल सा कॉमन सेंस वाला दोस्तों सिनेरियो है। स्कूल का बिजनेस स्टार्ट हो गया, स्कूल सारी ओपन हो गई, स्टेशनरी सारे खुल गए, पहला क्वेश्चन ठीक है दोस्तों। दूसरा रीज़न ये है, सिगरेट का बिजनेस दोस्तों, कोरोना आप तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट जब से हुआ है सिगरेट की कोरोना की बात कौन कर रहा है, सब लोग सिगरेट फूंकना स्टार्ट कर लिए, दो बड़ी चीज़। और तीसरी दोस्तों, सब इंटरनेशनल फ्लाइट सब स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि दोस्तों होटल बिजनेस, यानी कि जो वीक पॉइंट्स थे आईटीसी के वो सारे अब ओपन हो चुके हैं, और जिसका जो हमें इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में मिलने वाला है, सीधा सिंपल है। और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो बेनिफिट एडिशनल हुआ है कंपनी को वो तो है ही, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या बेनिफिट्स है। तो इतनी सारी बातें थी, इसकी वजह से ही ये रैली आई है, ऐसे नहीं आई है रैली, इसी की वजह से ही आई है। लास्ट वीक में हमने जब वीडियो बनाया था तब 243 का लेवल बोला था, और उस लेवल को तोड़ के अब दोस्तों 252 के ऊपर आ चुका है ये स्टॉक दोस्तों। अब करना क्या चाहिए उसके ऊपर बात करें, उससे पहले दोस्तों जो एडलवाइज है दोस्तों, अच्छी ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने जो 450 का टारगेट दिया है उनका क्या बोलना है दोस्तों। तो जो विनय खट्टर है, हेड ऑफ रिसर्च एडलवाइज ब्रोकिंग, बिलीव्स दैट कि सुपर साइकिल इन द काउंटर एंड स्ट्रेस द रैली टू द 450। The money manager has put both fundamental and technical reasons behind the conviction. Both analysts point towards the possible 80% jump from the current level. यानी कि दोस्तों जबरदस्त तेजी बनने की आसार बन सकते हैं दोस्तों। और उनका जो बोलना है कि जो above mentioned target है दोस्तों most bullish है, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों 350 तक के target तो मैंने भी आपको बोले थे कि 350 तक का टारगेट एक से डेढ़ साल के अंदर हो सकता है, और वो बहुत टाइम पहले बोला था दोस्तों, जब ये गिरावट आई थी उससे पहले जब 200 का लेवल के ऊपर चल रहा था। बट स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट लेता है और फिर जो रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे दोस्तों वो रुक जाता है दोस्तों। तो अब इनका बोलना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुलिस हो गए, इनका बोलना है कि जो है कि जब कॉमोडिटी प्राइजेस मूव अप सिग्निफिकेंटली द ESG इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी will strive to invest in environmentally and socially responsible companies and its long-term benefits are the uncertain दोस्तों। तो वो तो है ही दोस्तों, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, अगर आप उसका 20 साल पुराना डेटा निकाल के देख लेंगे तो मल्टी बिगर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। एंड ITC among the ESG नेगेटिव कंपनीज दैट हैव अ सिग्निफिकेंट मल्टी बिगर डी रेटिंग डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो स्केलिंग अप फॉर दी FMCG बिजनेस रेशनलाइजेशन इन रिटेल बिजनेस एंड रिवाइवल ऑफ दी होटल एंड पेपर बोर्ड बिजनेस। और उनका बोलना है कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट साइकोलॉजी एंड DPS ऑफ CAGR ऑफ 12% टू लीड अ मल्टीपल री रेटिंग फ्रॉम 16 टाइम्स करंटली टू 30 टाइम्स फॉर एट FY24 अर्निंग्स, और ही इज बेसिकली बैंकिंग ऑन अ हाई सिगारेट सेल कम्पेयर टू अर्लियर एंड ग्रेटर मार्जिन इन अ FMCG बिजनेस दोस्तों। और एडलवाइज जो सिगारेट का बिजनेस है वो रिवाइव फ्रॉम अ CAGR ऑफ 5% ड्यूरिंग FY22-FY24 अगेंस्ट अ CAGR ऑफ -1% ड्यूरिंग FY11-21, और FMCG एबिलिटी टू स्केल अप
सिंगल डिजिट एंड द होटल पेपर बोर्ड एंड एग्री कमोडिटीज बिजनेस टू रिवाइव. दिस विल लेड टू सी अर्निंग्स ऑफ सी एस आर ऑफ 12% इन एफ आई 22-24 अगेंस्ट द 7% इन द लास्ट 5 ईयर. ITC had dealt with a lots of criticism in the last few years, dosto, mainly for a banking heavily in a cash from a cigarette and failing to lift FMCG margin. Moreover, calls for assist having underperforming business like hotels to be carved out. And this, जो दोस्तों ये price है, over a जो consolidation हुआ है around 200 rupees per share. Every time the stock tests the level of 200 and indicates the robust demand of the lack of selling and reaffirming a stock accumulation zone. तो दोस्तों ये जो अब बोल रहे हैं वो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं आपको. ये हमारा वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्लियर दिख रहा है 200 का लेवल, जो हमारा रिट्रेसमेंट भी है दोस्तों शॉर्ट टर्म का, स्विंग हाई से स्विंग लो का 200 का हमारा लेवल. हमने बहुत सारे पैसे बनाए हैं ट्रेडिंग करके इसमें. अब दोस्तों लास्ट वीक में जब वीडियो बनाया था तब आप सबको पता है कि जो हमारा लेवल था 243 का, उसको मैंने बोला था जैसे ही तोड़ा है तोड़ेगा तो स्टॉक भागेगा. और लास्ट टाइम दोस्तों 266 तक गया था. 266 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वहां से दोस्तों लास्ट टाइम भी रिटर्न आया था स्टॉक और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वहां पे. तो यहां पे भी चांसेस है कि वो वापस आने की संभावना है कि नहीं, वो दोस्तों बाद में पता चलेगा. क्योंकि दोस्तों यहां पे जो वॉल्यूम है वो अब बहुत ही बेसिक लेवल पे अच्छा बन रहा है दोस्तों. अगर हमें वॉल्यूम का सहारा यहां पे मिलेगा तो ये स्टॉक डेफिनेटली अपने को 266 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आएगा. बट डेली चार्ट के ऊपर एक स्मॉल था दोस्तों सिग्नल है जहाँ पे सतर्क हो जाने की ज़रूरत है. इसको लेने में हड़बड़ानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्टॉक है, जो हमारा लाइन है दोस्तों, 20 डे का मूविंग एवरेज हाई एंड लो से काफ़ी दूर पहुँच चुका है दोस्तों. और आपको पता ही है दोस्तों कोई भी स्टॉक हो ज़्यादा देर तक दोस्तों उस डे की 20 डे की मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता. उसको मिलने के लिए वापस आना ही पड़ेगा. तो इसके लिए आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत भी है. अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों लंबी अवधि के इन्वेस्टर के लिए कोई टेंस नहीं है. अगर आपको बाय करना है ना तो मैं आपको ये रेकमेंड करने वाला नहीं हूँ. ये लेवल 243 के आसपास जब भी आए दोस्तों, मौका मिले मार्केट के गिरावट में, तब बाय कर लो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रिस्क सेटिस्फैक्टरी वाला रहेगा. और ये प्रूवन दोस्तों लेवल है 243 का, कि जब उस लेवल को तोड़ेगा तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि क्या बुरा हाल होता है. तो यानी कि जब वो लेवल ऊपर के एंड पे तोड़ता है तो दोस्तों क्या मस्त हाल करता है, तो वो भी आपको पता है. तो आपके पास लेवल क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 243 के आसपास बाई कीजिए, आपका रिस्क कम हो जाएगा दोस्तों. यहाँ पे बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जा सकता है स्टॉक, मना नहीं है. पर दोस्तों हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और आपकी ये चैनल के ऊपर मैं हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के ऊपर डिस्कस करता हूँ दोस्तों. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और दोस्तों ITC में मल्टी बैगर रिटर्न के लिए पैसे डालिए दोस्तों. और ये मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है. और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद.